हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक एक इनोवेशन के बारे में। मॉक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ चीज़ रियल ना होना या डुप्लीकेट। जैसे हमें मार्केट में गुची, पूमा, नाइकी इन सब की डुप्लीकेट कॉपी इजीली मिल जाती, सेम ऐसे ही मॉक एक को इन्वेंट किया गया। द लेडी इन द सारी इज द प्रोफेसर ऑफ दिल्ली IIT काव्य दशोरा ने इस एक को इन्वेंट करा है। UNDP इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने एक कॉन्टेस्ट रखा था इनोवेट फॉर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक प्लांट बेस्ड मॉक एग को इन्वेंट किया गया है। तो हम इस एग को बोल सकते हैं एकदम शुद्ध शाकाहारी अंडा का इन्वेंशन किया गया। इस इन्वेंशन के लिए इन्हें $5,000 की प्राइज मनी दी गई है। अगर हम इस एग की बात करें तो ये बिल्कुल फार्म बेस्ड है, और देखने में, टेस्ट में, और अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी बात करें तो सेम उतना ही हमें वैल्यू मिलेगा जितना हमें मार्केट के एग से मिलता है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो वेजिटेरियन पीपल है, जो बोलते हैं हम एग नहीं खाते, वो इस एग को खा सकते हैं और अपनी प्रोटीन की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। टीम ने इन्वेंट करा है चिकन और फिश को भी प्लांट सोर्स से बनाने की, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज करके। तो जैसे मॉक एग हो गया, ऐसे ही मॉक चिकन हो गया और मॉक फिश हो गया। जैसे हमारे इंडिया में मेन प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की और क्लीन प्रोटीन फूड की, तो ऐसी इन्वेंशन से इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। UNDP ने मॉक एग को एक परफेक्ट इनोवेशन बताया। उन्होंने बोला ये इन्वेंशन हमारे दो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, दैट इज जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थोड़ा सा UNDP के बारे में जान लेते हैं क्या। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1965 में फॉर्म हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और UNDP बेसिकली काम क्या करता है, ये पूरे वर्ल्ड को देखते हुए कुछ पॉलिसीज फॉर्म करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। जैसे पॉवर्टी हटाना, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और ऐसे ही इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ये कुछ 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। ये 2015 में फॉर्म किए गए थे और ये टारगेट है कि इन्हें 2030 तक अचीव करना है। इनका मेन एजेंडा है लीव नो वन बिहाइंड, मीन्स जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो यहीं से आया है। अगर हम ऐसा इन सारे गोल्स का इंटीग्रेटेड पर्पस देखें तो वो है कि गरीबी को हटाना, अपने प्लानेट को प्रोटेक्ट करना, और इंश्योर करना कि हर एक बंदा अपने पीस को और प्रोस्पैरिटी को इंजॉय कर सके बाय 2030। तो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।